क्यों रही हो? तुम उस बच्ची को जानती हो क्या? तुम रो क्यों रही हो? तुम जानती हो उसे? जानते, और बहुत जल्द तुम भी उसे जान जाओगे। तुम जानती हो उसे? जानती हो तो बताओ ना, कौन है वो? बताओ हमें, उस लड़की ने हमें परेशान कर दिया है, बार बार हमारे सपनों में आती है, कौन है वो? बताओ। वो हमें हम तुम्हारी चकोर और वो बच्चा, वो तुम थे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम वो बच्ची नहीं हो सकती हो, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज, हमारी बात का विश्वास करो, हम सच कह रहे हैं। वो बच्ची हम ही है, और वो बच्चा जिसने उस बच्ची को कमरे में बंद किया था, वो बच्चा तुम हो। सूरज, अपने दिमाग पे जोर डालो। अगर तुम्हें बचपन की यादें याद आ सकती है, तो जवानी की बातें भी याद आ सकती है। सूरज, नहीं। आ, 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 आ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। सूरज, यही सच है। सूरज टकोर को जान से मार दो। हमें बेवकूफ बनाना बंद करो तुम। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। जब से हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी को नरक बना दिया है तुमने। इसीलिए हमारे मालिक और मालकिन ने हमें हुक्म दिया कि हम चकोर को सवेरा होने से पहले मार डालो। जब तुम ये जानती थी तो वापस क्यों आई? वापस आना पड़ा हमें सूरज। अगर नहीं आते तो तुम मर जाते सूरज। सांप ने तुम्हें काट लिया था सूरज। हम जाते तो आसानी से भाग सकते थे। अगर वो सांप का जहर तुम्हें मार देता सूरज, और हम तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकते थे। सूरज, भले ही तुम हमसे प्यार ना करते हो, पर हम तुम्हें जी जान से चाहते, बहुत प्यार करते हम तुमसे, और इसलिए हम तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकते थे। और अगर हम वापस नहीं आते तो हम ये कैसे देखते, कैसे जान पाते कि हम आज भी तुम्हें याद है? कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में हमारी एक धुंधली सी तस्वीर जिंदा है। कुछ याद नहीं है हमें, और ना ही हम कुछ याद करना चाहते। कुछ नहीं सुनना चाहते हम। हमारा दिमाग खराब करना बंद करो, तंग करके रख दिया तुमने हमें। तुम बस जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। क्या कहा तुमने? तुमने तुमने हमें यहां से जाने के लिए कहा? सूरज, अगर हम यहां से चले गए तो हमें मारकर तुम अपने मालिक मालकिन का आदेश पूरा कैसे करोगे? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है।
हम तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे। किसी सवाल का जवाब नहीं देना हमें, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी हमें, तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखनी हमें, तुम्हारे साथ कुछ समय नहीं बिताना है हमें। तुम बस जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे सूरज, अगर हम चले गए तो तुम्हारे मालिक मालकिन तुम्हें सजा देंगे। हमने कहा ना, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, वरना मार देंगे हम तुम्हें। तुम हमें नहीं मार सकते सूरज, मारना चाहो तब भी नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुम हमें मारना चाहते तो तुम हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते। अरे कान फट गए हमारे तुम्हारी बकबक सुन सुनकर। अच्छी खासी चली गई थी ना, हमने सोचा था हमारी जान छूट गई है, लेकिन आ गई वापस हमारा दिमाग खराब करने के लिए। अब चली जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं जाओगी तो ठीक है, फिर निकलो यहां से, चलो। चली जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारा साया भी अपने आसपास नहीं देख सकते हम, क्योंकि नफरत करते हम तुमसे, नफरत। चली जाओ आजादगंज से, बस्ती से, गांव से, और वापस मत आना। क्या हुआ दी, रास्ता भूल गए का? हमारी समझ में नहीं आता किस रास्ते पर जाए। एक तरफ सैकड़ों बंधुआ मजदूरों की आजादी और दूसरी तरफ हमारी अकेले की आजादी, समझ नहीं आता किस तरफ जाए। एक तरफ हमारा प्यार अधूरा है और दूसरी तरफ हमारे सपने अधूरे हैं। अगर हम अपने प्यार की आवाज सुनेंगे तो हमारे सपने मर जाएंगे, और सपने मर गए तो हमारा प्यार भी जिंदा नहीं रह पाएगा। हम इस दोहराए पर खड़े जहां दोनों तरफ हार हमारी है। तू क्या बोल रहे है, हमका कछु समझ में नहीं आ रहा। तू और रास्ते पे जा जहाँ तू का अपना झंडा फहराई का अवसर मिले। आज गणतंत्र दिवस है ना, जीवनदाता की जय, भारतमाता की जय, वो है घटा घंगोर की जय, बाबा चकोर की जय हो। जीवनदाता की जय, भारतमाता की वो है घटा घंगोर की जय, बाबा चकोर की चुप की जय, बोलो भारतमाता की। रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, मालिक मालकिन आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। अब न सहेंगे अत्याचार, चकोरिया की जय जयकार। अब न सहेंगे अत्याचार, चकोरिया की जय जयकार। अब न सहेंगे अत्याचार, चकोरिया की जय जयकार। भारत माता की जय, आजाद गंज की जय, चकोर की जय। पागल हो गए सब, पागल। ए महादेव, ये देख रहे, तेरे कीड़े मकोड़े जो तूने भेजे हैं यहाँ, ये सब के सब पागल हो गए। अरे जय जयकार करनी है तो हमारी करो, और अगर हमारी नहीं कर सकते तो इमली देवी जी की करो। क्योंकि तुम्हारी नेता है और तुम्हारी नेता रहेंगी। अरे जिस चकोर के दम पे तुम यहां पर आए हो उछल उछल के,
अरे जिसकी जय जयकार तुम कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं, समझे? कोई फायदा नहीं, क्योंकि चकोर तो मर गई। अरे उसे हमने ऊपर पहुंचवा दिया है। और अगर अब तुम लोग यहां से नहीं गए तो तुम्हें भी वही पहुंचाएंगे जहां चकोर को पहुंचाया है, समझे? जाओ यहां से। जाते हो कि तुम लोगों को भी चकोर की मूर्ति की तरह बेड़ियों में जकड़ के हवेली के किसी कोने में फेंक दे हम। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तू बच कैसे गई? सूरज कहाँ है? उसने तुझे छोड़ा कैसे? खैर, जो काम सूरज ने पूरा नहीं किया अब हम खुद पूरा करेंगे तुझे मार के, समझे? कोशिश तो उसने भी बहुत की थी, मगर वो क्या है ना, जिसका रखवाला ऊपर वाला होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते हैं ना, जा को राखे साइया मार सके ना कोई। हमारा आजाद गंज, हमें हाथ भी नहीं लगा सकते तुम। अंदर खींच के ले जाना तो बहुत दूर की बात है। तुम हमें छूकर तो दिखाओ, तुम्हारी बाकी की सारी जिंदगी जेल के पीछे चक्की पीसने में निकल जाएगी।
रानी देवी जी, एक बात गौर से सुनिए। हम अभी अभी अपने चुनाव का पर्चा भर कर आ रहे हैं और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे संविधान की है। किसी भी प्रतिद्वंदी पर किसी भी प्रकार का हमला या उसे कोई भी नुकसान कितना बड़ा अपराध है ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानती हूं मंत्री इमली देवी जी। इसलिए अपने इस पति से कहिए कि हमसे जितना दूर रहे उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। आज गणतंत्र दिवस है जो हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। आज ही के दिन भारत की तकदीर बदल गई थी और आज से हमारे आजाद गंज की भी तकदीर बदल जाएगी। इमली और रणविजय, तुम लोगों को हमारे आजाद गंज पर जितने अत्याचार करने थे तुम कर चुके, अब तुम्हारा समय खत्म होता है। हमारी चुनावी जीत सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी, ये जीत होगी हमारी सच्चाई की, हमारे आजादगंज के लोगों की।